सब्जेक्ट मोमेंट सप्लीमेंटरी रीडर्स। टॉपिक आज का हमारा है द लॉस्ट चाइल्ड। इस द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ाने से पहले हमने कुछ इस वीडियो में जिसके पूर्व वीडियो दी गई थी उसमें आपको इसके बारे में एक समरी बताई गई थी, डिटेल्स इसके बारे में बताया गया था कि इस कहानी में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, इसमें किन किन लोगों का वर्णन किया गया है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और उसमें जो भी कठिन वर्ड थे जिस पैसेज को मैं पढ़ाया उससे कठिन वर्ड जो भी मिले उस कठिन वर्डों को भी मैंने नोट कर दिया। और आगे जब मैं उसके पैसेज को पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसमें भी जो भी कठिन वर्ड थे उस कठिन वर्डों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिया है, प्लीडेड, निवेदन किया, टायरेंट्स, पुरुष शासक का, मेल्टेड, द्रवित थी, बिफोर, सामने, माइल्स, मेल, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, बस्टलिंग, तेजी से घूमते हुए, गौड़ी, चमकीले, इंटरसेप्टिंग, काटते हुए, कॉशनली, चेतावनी भरी, एवरेस्ट, सटकर, टीमिंग, भारी संख्या में। तो इस प्रकार कठिन वर्डों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जब भी मैं आपको वीडियो मैं जो भी देता हूँ वीडियो में उसको देखते रहिए। और आप वीडियो जब भी देखें तो आप निश्चित रूप से वीडियो देखते समय किताब, कलम, कॉपी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको नोट भी करते रहें। कठिन वर्डों को जो भी लिख दिया जाता है आप उसकी एक कॉपी बना लीजिए और सीरियल्स इसको लिखते जाइए। हर वीडियो को आप देखते रहिए, हर एक वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। यदि आप वीडियो को लगातार क्रमिक रूप से नहीं देखेंगे तो फिर आपका क्रम बिगड़ जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप अच्छी प्रकार से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, बीच बीच में सब आपका छूटा रहेगा, सारा कुछ अधूरा हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो लगातार देखते रहिए और उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं चलता हूँ उस पैसेज पे और पैसेज को आप लोग निकाल लीजिए। आपका मोमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर में द लास्ट चाइल्ड जो आपका लेसन है मुल्कराज आनंद के द्वारा ये लिखा गया है तो इसमें आप लोग देखेंगे। मैं आगे यहाँ पैसेज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए इसको पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखते जाइए, उसके बाद फिर मैं इसका अर्थ बताऊँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। I want that war, he pleaded, his father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. Said, look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of evening light. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a alone black bee or butterfly in search of swiftness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them steals its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come, come on to the footpath. तो इस प्रकार से ये आपके पैसेज थे और इस पैसेज को मैं अब
पढ़ते हुए इसका अर्थ बताते हुए चल रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ही प्लीडेड, किसने आग्रह किया, किसने निवेदन किया था? वह निवेदन किया, अर्थात उस लड़के ने निवेदन किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उस खिलौने को चाहता हूं। His father looked at him, उसके पिताजी उसकी तरफ देखे, रेड आईड, लाल लाल आंखें करके। इन इस फेमिलियर टॉयलेट्स में अपने उस परिचित एक क्रूर शासक किस शासन की तरफ क्रूरता से अपनी आंखें लाल लाल करके उसके पिता ने उस बच्चे की तरफ देखा। हिज मदर, उसकी माता जी मेल्टेड हो गई थी, द्रवित हो गई थी बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मतलब उस दिन कि एक मुक्त भावना, मुक्त आत्मा से वह द्रवित हो गई थी। और जब वो अपने स्वतंत्र आत्मा से, मुक्त आत्मा से जब वो द्रवित हुई, वास टेंडर, वह कोमल था, उनके अंदर कोमलता के भाव थे। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली पकड़ने के लिए वह उसको कह रही थी, अपनी उंगली उसके सामने दे रही थी कि बेटा उंगली पकड़ लो, लुक चाइल्ड, देखो देखो मेरे बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है, आओ देखो। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, इट वॉज ए फ्लोरिंग फूलों से भरे हुए मस्टर्ड फील्ड, ये मस्टर्ड फील्ड थे, सरसों के खेत थे। पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी जिस प्रकार से सोना पिघला हुआ होता है, पीला पीला सा दिखाई देता है, वैसे ही ठीक ये सरसों के खेत भी पुष्पों से पीले पीले दिखाई दे रहे थे। As it swept across miles and miles of even lands, और वो मिलो मिलो दूर तक वे फैले हुए थे, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह था, एक झुंड जो था, वो क्या कर रहा था, वास बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए वन ब्लैक बी, एक बड़ा काला सा मधुमक्खी या एक बटरफ्लाई जो कि एक फूलों के स्वीटनेस को, मधुरता को, अमृत को पाने के लिए तलाश कर रहा था, उसको इंटरसेक्टिंग करने के लिए उसकी उड़ान को काटते हुए वह अपने रंग बिरंगे चमकीले बैगनी कलर के पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और वह लड़का एक टक अपनी निगाहें लगाए हुए उस तितली के पीछे पीछे वह चलता चला जा रहा था। इट वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, वह तब तक उसके पीछे चलता रहा जब तक कि उसके पंख शांत नहीं हो गए, वह अपने आप को आराम से कहीं बैठ नहीं गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वह उड़ जाता था, फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ता चला जा रहा था, अप इन टू द एयर, हवा में ऊंचाई पे उड़ता चला जा रहा था। वेर ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और वह उसको लगभग
अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो उड़ता चला जाता था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता ने उसके ऊपर एक कॉशनरी कॉल की, यानी उसको एक ऐसी भरी शब्दों में, कठोर शब्दों में उसको चेतावनी दी, बुलाई, कही कम चाइल्ड, कम कम ऑन टू द फुटपाथ, मेरे बच्चे आओ आओ इस पगडंडी पे आ जाओ। ये सब सारी बातें उसकी माँ उसको समझा रही है, आगे उसको बढ़ाती जा रही है, और ये लड़का सब कुछ भूलता हुआ चला जा रहा है, उस तितली के पीछे पीछे जा रहा है। ये सही कहानी थी और